हमेशा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 5 12 मास का पेज नंबर 22 करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आज जो करवाया जा रहा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। पेज नंबर 22 और भाग नंबर ख। भाग नंबर ख। नीचे कुछ दिवस दिए गए हैं। दिवस का मतलब दिन। नीचे कुछ दिन दिए गए हैं, लिखे ये अंग्रेजी महीने में कौन सी तिथि को आते हैं। तो हमने 12 मास में हमने क्या किया था, देसी महीनों के नाम याद किए थे। अब उन्हीं में से कुछ हमें अंग्रेजी के महीनों में आने वाले दिवस लिखे हुए हैं। तो इन दिवस जैसे गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो सबसे पहले गांधी जयंती, ये कब मनाई जाती है बच्चों? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। बाल दिवस, बाल दिवस, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। तो बाल दिवस को क्या था बच्चों? चाचा नेहरू का जन्मदिन। चाचा नेहरू का जन्मदिन, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन था 14 नवंबर। उनको जन्मदिन होता है 14 नवंबर, और उन्होंने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है अध्यापक दिवस। अध्यापक दिवस, जब ये अध्यापक दिवस आता है तो आप अपने टीचर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैप्पी टीचर्स डे सर या मैडम, है ना। अध्यापक दिवस, अध्यापक दिवस कब आता है? 5 सितंबर। कब आता है बच्चों? 5 सितंबर को। अध्यापक दिवस कब आता है? 5 सितंबर। उसके बाद आता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब आता है? हिंदी दिवस आएगा हमारा 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है? जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। आपको पता है ना कि हमारे देश पर पहले अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने कई सालों तक हमारे देश के ऊपर राज किया, और फिर हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो उसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है गणतंत्र दिवस। क्या है बच्चों? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो गणतंत्र दिवस को क्या हुआ था, हमारा देश के अंदर जो कानून की किताब, जिसको हम बोलते हैं संविधान, जो संविधान हुआ था, जो संविधान है, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, इसलिए उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है बच्चों महिला दिवस। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, आज ही हमारे पास 7 दिवस दे रखे हैं। इन 7 दिवस को अंग्रेजी महीनों में कौन सी तारीख को और कौन से महीने में आता है वो हमने लिखा है। ये सारे के सारे बच्चे
ये जो हमें दिवस दिए हुए हैं ये अपनी कॉपी पे लिखेंगे, अपनी किताब में लिखेंगे और याद करेंगे, और इसकी फ़ोटो अपने टीचर के पास ज़रूर शेयर करना है। तो बच्चों आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।